खाद की किल्लत से किसान परेशान, खाद दुकान के बाहर लगी लोगों की भीड़, धांधली या जमाखोरी या फिर लूट, जानिए क्या है सच। तो किसानों से रूबरू होकर यहाँ जानेंगे हालात। औरंगाबाद जिला के हसपुरा प्रखंड स्थित इंटवा पैक्स में खादों की मनमानी बिक्री से किसानों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। कई किसानों ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि बिस्कोमान से जो खाद मिलती है उसमें वितरक द्वारा काफी धांधली की जा रही है। खाद वितरक एक तो अपने निकटतम लोगों को पहले ही सूचीबद्ध करके रसीद जमा करवा लेता है और उसे सहजता के साथ खाद उपलब्ध करा देता है, वही जो अनजान किसान होते हैं उन्हें खाद के लिए घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ता है। आरोप लगाते हुए धनंजय कुमार, दीपक कुमार, मृत्युंजय कुमार, बीजे यादव ने बताया कि यहां पर पहले मेहमान नवाजी किया जाता है, बाद में किसानों को खाद दिया जाता है। दुकानदार के आगे मेहमान नवाजी के सिवाय कुछ नहीं। क्या परेशानी हुई है? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम निशान कुमार है। कहाँ का हुआ? क्या दिक्कत है आपको? सर मैं खाद देने गया था इंटवा बिस्कुमान भवन में, जहाँ पे घंटों देर यानी सुबह से हम शाम तक लगे हुए रहे, हमें खाद नहीं दिया गया। पहले उनको जो पैदिकार हैं उनको खाद दिया जा रहा है, मेहमान नवाजी किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि जब मैं राहुल कुमार जो खाद बिक रहता है मैं उनसे पूछने गया तो सर हमें भी खाद चाहिए, तो बोल रहे कि जाकर लाइन में लगो। मैं बोल लाइन में सुबह से शाम तक लगा रहा, अभी तक खाद नहीं मिला। देखिए मेरे पास ये पूर्जी है जो इसके कृषि सलाहकार का साइन भी है। कितना बजे आप लाइन लगे थे? सुबह तकरीबन 9:30 बजे लगे थे। कब मिला फिर खाद? मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला खाद। कहाँ मिला खाद? मिलता तो ये पर्चे उनके पास होता ना। तो लाइन में लगे रह गए, उसके बाद क्या बोले फिर? उस बाद जब भी पोल में जाते करते लाइन में खड़ा रहो, जिसको पैर भी है उसको पहले खाद दिया जा रहा है और ब्लैक में भी दिया जा रहा है। जो छोटा व्यापारी होते हैं खाद विक्रेता उनको पहले पिकअप में ला कर दे दिया जा रहा है। ऐसा देखा आपने? जी मेरे पास सबूत है, फोटो भी है। आपने कंप्लेंट किया किसी? कहीं नहीं सर, हम अभी कंप्लेंट किसके पास नहीं।